ये भाई हेडर्स देख रहा था मैं इसके कहां से भैया, ये तो मेरी बाइक में भी लग सकता है ना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी। आमिर भाई तो बोल रहे थे एग्जॉस्ट भी मंगवा देंगे भैया से, लेकिन अब उनने बोला था कि गिफ्ट करेंगे ना, लेकिन ऐसा लेकिन शोम भैया ना अच्छे इनसे लेना चाहिए, डिस्काउंट भी अच्छा खासा। नहीं वो तो दे देंगे मुझे, ठीक बात है, लेकिन आमिर भाई ने बोला कि मैं तुझे एग्जॉस्ट गिफ्ट करने वाला हूँ, मुझे लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ होगा। हाँ मेरे को याद आई बात, ये कह रहा मेरे को आज आमिर भाई के साथ ना अच्छे से मिलवाना, शादी करा ले। मैंने बोला इसको, मैंने बोला ठीक है मिला तो मैं कैसे अच्छे से कैसे किस तरह से, मैं कमरे शमरे में ले चलो, साइड में बोलता ले चलो, लेकिन मेरा ब्लॉग चलेगा। अस्सलामुअलैकुम और जुमा मुबारक भाई। कौन जुमा मुबारक, आज फ्राइडे है और हम जा रहे मस्जिद के पास। आज ना रे है हमारे साथ ना रेवन है, आज हमारे साथ है स्कूटी। सारे लोग मस्जिद के लिए एंटर कर रहे हैं, यहाँ से एंट्री अंदर के लिए देख तो ना बठिंडी की सबसे बड़ी मस्जिद है ये वाली, ठीक है। देखो कितनी खूबसूरत है, बैक से तो मैं दिखाऊं तो भाई इसका ऊपर वाला जो ये है क्या झूमर है, कितना कितना प्यारा है भाई, और मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है भाई। और यहाँ पे देखो कुछ लोग सोए हुए हैं यहाँ पे, जो कि मेरे हिसाब से मस्जिद में सोना अच्छी बात है, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, नमाज पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। हमें नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो हम ऑडियंस को ही पूछेंगे, आप बताना कमेंट करके भाई सोना चाहिए कि नहीं, हमें नहीं पता, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर। Guys, we are ready to go. यहाँ से हम जा रहे हैं भाई। आज ना आमिर भाई ने हमें बुलाया हुआ था और वो कह रहे थे कि आई थिंक ड्रैगन की डिलीवरी लेनी है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। शायद जल्दी में बनाते रहे, इनको इफ्तारी भी करनी है। हाँ तो ये यहीं पे कर लेंगे ना इफ्तारी, फिर चल जाएंगे, अभी तो 6:30 का टाइम हो ही गया हुआ। हमें भी तो करनी है, तो यहीं से तू दूसरों को बोरा खुद रखा है रोजा, तूने अंगूर खा रहा है सामने है। तो इन्होंने भी खाया ना, बोलते अंगूर खाने से रोजा नहीं टूटा, मैं इनकी बातों में अमल कर रहा हूँ। छोटे को आधा घंटा पहले तैयारी करनी, इसने रखा ही नहीं है एक भी रोजा नहीं रखा भाई इसने। सुबह इसने हिजड़ू वाली कोई इधर कहानी लगा के रखी थी, फेयर फाइल्स है ताकि जो हिजड़े थे वो भूत थे भैया ना, तो अब उन भूतों ने क्या किया, उन्होंने प्राइवेट पार्ट किसी का काट दिया हुआ था, तो अब इसको टेंशन अपनी हो रही है कि कहीं मेरे बच्चे देख रहा है खुद का हाथ देख काम पे कितना डर लग रहा है तेरे को भाई, हाथ ऐसे रखा हुआ है। उस फेयर फाइल की स्टोरी में एक बच्चा था, उसको ना उन हिजड़ों की कमेटी में उन्हें शामिल करना था ना, तो उसको शामिल करने के लिए आपको पता क्या करना पड़ता है। मुझे एक चीज बता, मेरे वाले कहाँ रखे थे राइडिंग गियर के, जो थे वो जेब में रखे वो फंसा दिए डबल कर भाई, मेरे वाले से जो है ना प्रोटेक्शन सारी हाथों को निकाल के अपनी जैकेट में फिट, तुम्हें ऐसा ही है टन मेरे डबल करके रखे। इसके आगे दाढ़ी कटवाई ना, दाढ़ी कटवाई, थोड़ा सा मेकअप वो बैक वाला इसको गाइस। और एक और चीज को अपडेट करना, इसने ना अल्तमश ने इसका नाम चिकना रखा हुआ भाई, रखा कहाँ से, मैं चिकना दाढ़ी नहीं दिख रही। ये देखो, ये आपको पता है किस किस को पता, कमेंट करके बताना ये क्या चीज है। शरबत मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें ना गरी भी डाली हुई है, साथ में ये सीड भी डाले और उसमें हमने रूह अफजा डाली हुई। कितने रोजे रखे आपने राज भाई? कंटिन्यू चल रहा है ये, मुझसे भी ज्यादा चल रहा है। तो ये चेक करो हमारी दोनों बाइक यहाँ पे लगी हुई है, आज ना हम एक ही बाइक लेने वाले, RR 310 लेके जा रहे हैं यहाँ से, कॉज मेरी बाइक में ना पेट्रोल नहीं था। तो चलो अब आमिर भाई ने बुलाया हुआ था तो कह रहा था कि भाई गोट राइडर के लिए आ जाओ आप, तो चलो चलते हैं भाई गोट राइडर के लिए सीधा, तो देखते हैं भाई वहाँ पे क्या सीन रहता है, चलते हैं यहाँ से, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, कॉज आपको पता है बहुत ज्यादा लेट हो गया ऑलरेडी। वो कह रहे थे कि भाई इफ्तार करके ही मैं निकल रहा हूँ घर से, तो अभी मैंने दानिश को बिठाया और बताओ व्लॉग भी कैसे लगते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आप ना डेली लाइफस्टाइल वाला व्लॉग ही किया करो, मतलब हमें अच्छा लगता है डेली व्लॉग करना, तो इसलिए भाई तुम्हारा फुल कोशिश करता है यार कि अपनी फुल फैमिली को ना हर तरह का कंटेंट दे, बस आपको क्या करना है ना भाई को सब्सक्राइब करना जो भी न्यू बनते हैं, और शेयर करनी है मेरी वीडियो। अगर आप मेरे ना 25,000-30,000 लोग ही मेरे को देखते हो, लेकिन भाई दिल लगा के देखा करो ठीक है, कॉज ना मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी अगर आप शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स को आगे। अगर आप 20,000 हो ना भाई तो आप मेरी ऑडियंस इतना स्ट्रांग हो 20 के आप 40 कर सकते हो, अपने एक फ्रेंड को शेयर करो, व्हाट्सएप पे स्टेटस डालो इस व्लॉग का, ताकि ना जाके हर कोई व्लॉग देखे। ओके मुझे भरोसा अपनी ऑडियंस पे बहुत ज्यादा, तो भाई मुझे निराश नहीं करना आप सब लोग, ठीक है। भाई तुम्हारा ना इस टाइम बिल्कुल अकेला है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, कॉज आप ना हमेशा मेरे स्टार्टिंग से साथ थे, तो आज भी मेरे साथ रहना, मेरे को आगे ग्रो करवाना आपने, ठीक है। कॉज इस टाइम हमारे चैनल की जो रीच है ना भाई वो लो हो रखी है थोड़ी, तो मैं नहीं चाहता ना कि भाई रीच जो है ना पूरी गिर जाए हमारी, इसलिए भाई शेयर करो चैनल को मेरे, जाके अपने इंस्टा पे शेयर करो, फेसबुक पे शेयर करो, व्हाट्सएप पे शेयर करो, हर जगह अपने दोस्तों को भेजो, ठीक है। मुझे पकड़ने में डर लग रहा है, पकड़ना फिर उधर से नहीं पकड़ भाई, ये क्या चीजें पकड़ ली तूने, रहूं फिर डरेगा तू, गंदी हरकतें जो कर रहा है ना मुझे पता है तेरा सारा। करता
है मन आराम से चलने का, आप ही बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ तुझे हाईवे पे तू तेज चल, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब तू इनके साथ दोस्तों के साथ मेरी रेस लगाता ना तो मेरे को टेंशन रहता। हाइपर राइड हो रही भाई रात के टाइम आज सिद्रा में भाई। क्यों डर नहीं लगेगा यार? तेरे को तेज चलाने की आदत है ना बाइक, तू बोल रहा था मैं बड़ी तेज चलाता हूँ बाइक, मैं चला। नहीं होता कुछ यार। ना पीछे से वो बदमाश को, मैं कल से तेज नहीं चलूंगा भैया। बोल बदमाश को इधर लाना, वो जो पिछला बदमाश दूसरा था उसको दो। ओ भाई वो सिद्रा में आके सारे बदमाश बन जाते भाई, ये भाई एक भी नहीं रुकता भाई। तू भी बदमाश, तू भी सिद्रा के रोड पे बदमाश बनता भाई, मुझे पता है। इस बदमाश को पकड़ेंगे भाई, बदमाशी डाली हुई इन्होंने सबने। बदमाश चला गया, ये तो बदमाश क्या आगे सिद्रा के रोड पे, जो भी जिसको बाइक चलानी ना भी आए वो भी बदमाश क्या? सिद्रा में आके बदमाश बनते हो। अरे बदमाश सिद्रा के, ये क्या बदमाश पीछे भाई, बदमाश पीछे गया 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 पीछे बदमाश। ये देखो चलना खींचा गए। दानिश भाई आराम से चले। अच्छा आराम से चले भाई, क्या बोल रहे हो? आराम से पक्का आराम से। बस पहुंच गए अब नहीं। हाँ बस अब नहीं ना, अब बदमाश बस बस आराम से चलिए। हम पहुंच चुके हैं गोट राइडर, जैसे तुम देख पा रहे हो। ये आमिर भाई यहाँ पे। बस ठीक है, बताओ कैसे हो? अमीन तो आजकल वायरल चल रहा है। मैं क्या बात है, यूट्यूब पे कहाँ वायरल यार, 10,000 बातें करवा रहे हो बंदू के, आपस में कनेक्शन जुड़वा रहे हो। मैं समझा नहीं यार। अरे लास्ट वाले व्लॉग पे मैंने देखा था कि बहुत सारी चीजें, जैसे वर्षा वगैरह को भी मिलाया था वर्षा के साथ। वर्षा को जानते नहीं हो आप? आरू की बात कर रहे हो? आरू मतलब आरू निकनेम, अच्छा निकनेम भी रख दिया हुआ है। भाई वो मुझे पता ही नहीं था ना, वो आमिर भाई ने रखा है, मैंने थोड़ी रखा। हां मेरे को याद आई बात, ये कह रहा है मेरे को आज आमिर भाई के साथ ना अच्छे से मिलवाना। मैंने बोला मैंने बोला इसको, मैंने बोला ठीक है मिला तो मैं कैसे अच्छे से कैसे किस तरह से, मैं कमरे शमरे में ले चलो साइड में बोलता ले चलो, लेकिन मेरा व्लॉग चलेगा। सामान लेके आ जाना। आमिर भाई ने भी Z1000 लगाई हुई है आपके पास यहाँ पे? मेरी ड्यू होगी सेकंड सर्विस जो अपनी कावासाकी की Z900 की है, तो अगर हम भैया से बात कर लेंगे जैसे हमें बोलेंगे चीजें जो बोली इन्होंने, इंजन ऑयल वगैरह सिंपल यही रहता है। भैया से लेकिन अब उन्होंने बोला था कि गिफ्ट करेंगे ना, लेकिन ऐसा लेकिन शोम भैया ना अच्छे इनसे लेना चाहिए, डिस्काउंट भी अच्छा खासा देते हैं ना। नहीं वो तो दे देंगे मुझे, ठीक बात है, लेकिन आमिर भाई ने बोला कि मैं तुझे एग्जॉस्ट गिफ्ट करने वाला हूँ, मुझे लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ होगा, क्या पता हो भी सकता है, लेकिन मैं पहले डिसाइड करके भैया से बात करूंगा कि कौन सा बेटर रहेगा। जो आपका मफलर एंड कैन होता है, एंड कैन जो होता है वो आपकी आवाज बनाता है। आप एंड कैन कैसा लगा रहे हो, लॉन्ग कैन लगा रहे हो तो बेस ज्यादा होगी, लाउडनेस कम होगी, शॉर्ट कैन लगाओगे तो लाउड भी ज्यादा होगा बेस भी ज्यादा होगा। अच्छा शॉर्ट कैन में ज्यादा आवाज रहती है, इसीलिए एससी का जो शॉर्ट कैन होता है वो इसलिए आवाज ज्यादा करता है ना। बाकी यार ये बाइक मैंने सामने से नहीं देखी थी, आमिर भाई मेरे को हमेशा बोलते थे कि भाई ये बाइक बहुत ब्रॉड है। मैं सच बात बोलूं ये तो पूरी खुली हुई बाइक है, अभी देखो भैया इसका काम कर रहे हैं तो ऐसे ही मतलब बड़ी चौड़ी लग रही है ना। देखो Z900 से तो बहुत बड़ी है भाई, आप तो देख सकते हो। हाँ ब्रॉड लगता है, इसलिए मेरा वो छोटा भाई बोलता ना Z900 को कहता है ये ट्रक की तरह लगती है, तो बहुत ज्यादा बड़ी है। ये भाई हेडर्स देख रहा था मैं इसके, यार यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं Z1000 के, तो इसमें यहाँ से
भैया ये तो मेरी बाइक में भी लग सकता है ना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना, दो वाले एग्जॉस्ट लगाने यहाँ से और वहाँ से। आप देखो यहाँ से इसमें कट है, मेरी बाइक में भी लग जाएगा ये? नहीं लगेगा ना। क्यों नहीं? जो इंजन के क्या बोलते हैं, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होते हैं ना। हाँ, चार आगे एक दो की पोजीशन Z900 और इसकी डिफरेंट होगी ना सर। 12 मॉडल है लेकिन इतनी क्लीन है ना, सच बोल रहा हूँ। यहाँ पे RPM आएगी, यहाँ पे स्पीड दिखाता है। मैं ये अनरिस्ट्रिक्टेड है, ये 350 जाती है। लेकिन वो इस पे दिखा देते हैं स्पीड इस पे मीटर पे, या उसको 399 पे लॉक कर देते हैं? 299 पे लॉक है, सॉरी 299। हाँ, आपका GPS जो है वो बताता है। ओके, तो GPS आपको यूज करना है, मतलब जैसे इंटरनेट के साथ कनेक्ट करोगे फिर 350 क्रॉस हो जाएगी। बहुत बड़ी बात। इसके गियर भी अलग है भैया, इसके गियर अच्छा, फर्स्ट अप और बाकी सारे डाउन। इस अभी शिवम भैया ने हमें इसका एग्जॉस्ट साउंड सुना दिया। कोल्ड स्टार्ट होगा ना इसका? है देख रहे हो? बाइक ना बड़ी खतरनाक लग रही है, लुक सही लगती है भाई। तो 218 BHP है, तुम खुद सोचो भाई, ये बाइक ना बहुत रेयर है। यहाँ पे क्या हो गया भाई? क्या यार, एक बंदा ट्रैक्स लेता था ना, उसको लाश मिली यहाँ पे। लाश मिली हुई है कहाँ पे? उसके ऊपर क्या हुआ? यहाँ ड्रग्स वगैरह लेते रहते हैं ना यहाँ है? कहाँ पे मिली हुई? यहाँ पे इस जगह बड़े यार होते हैं यार, बंदे शंदे भी पीने वाले हैं। इस जगह का नाम भाई कासिम नगर है भाई। यहाँ पे तो मैक्सिमम मतलब ड्रग्स वगैरह जो लेते हैं ना, वो सारे ना मतलब इस साइड के ही होते हैं। पता है यहाँ पे 2 मिनट अगर बंदा रुकेगा ना सामने, तो भाई यहाँ पे बंदा आ जाता है सामने भाई, हाँ कुछ चाहिए तो नहीं, इस तरह की लोकेशन है यार यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ऐसे आम चीज़ें होती रहती हैं। तो अभी इन कह रहे कि एक डेड बॉडी मिली हुई है, उसका ना ओवरडोज हो गया हुआ है, नशा वगैरह जो भी उसने किया है। तो अब उसको लेके गए हुए पुलिस वाले कहीं।